हिंदी चैनल स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स। ओके, देन हमने हिंदी मीडियम के लिए जो कि स्टार्ट किया था पूरा सीरीज मैथ्स का, उसमें चैप्टर वन हमने स्टार्ट किया था एक चर वाले द्विघात समीकरण, और हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं वो पूरा एकदम से, और उसको हमें बनाना होता है। ठीक है, तो आपको ये आपने क्लास 8 और 7 में भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ईजी है। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6 का 1 से। ओके, तो आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 6 का 1। एक आयताकार क्षेत्र में विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है, तो इससे हमें क्या करना है, निम्नलिखित विवरणों में से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। ठीक है, ये जो भी विवरण, ये जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इससे हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो चलो इसे बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास दिया क्या, एक आयताकार क्षेत्र है। सबसे पहले एक आयताकार क्षेत्र में बना लेती हूँ, एक आयताकार क्षेत्र है मान लो, और इसकी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण इसे कहते हैं, किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है मैक्सिमम, या एक विकर्ण की लंबाई दे दी है 15 मीटर, तो ये है 15 मीटर का मान लेते हैं हम। ठीक है, तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा है ना, चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे, चौड़ाई से लंबाई 3 मीटर अधिक है, इसका मतलब हमें चौड़ाई को मानना पड़ेगा, यहाँ चौड़ाई नहीं दिया है ना ही लंबाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई को x मीटर मान लेंगे, तो ऑब्वियसली उसका जो आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है ना, अधिक का मतलब जोड़ 3, तो ये हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब प्रश्न अनुसार आयत का विकर्ण दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आयत का विकर्ण बराबर 15 मीटर। अब हमें पता है कि आयत में ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जब भी 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड की बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण या विकर्ण कहा जाता है। मान लो अगर ये त्रिभुज है, अगर मान लो इसका नाम मैं दे दूँ ABCD, मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ, ABC एक अगर त्रिभुज है और ये 15 मीटर इसका कर्ण दिया हुआ है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला कर्ण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बेस इसको मान सकते हैं, चौड़ाई को हम बेस मान सकते हैं, ये हमारा बेस है और इसका ये वाला जो लंब है। ठीक है, तो लंब हमारा यहाँ पे AB हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो BC क्या है, ये लंबाई है, AB लंबाई है, लंबाई को हमने x+3 ले लिया था। ठीक है, और चौड़ाई को x ले लिया था। तो अगर इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हो और लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड हमें करना हो, बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनता हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज में जब भी लंबाई चौड़ाई की बात हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। ठीक है, हमें लंबाई चौड़ाई फाइंड करने के लिए, तो बस पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण हमारा दिया हुआ है 15, है ना, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है हमने यहाँ पे ले लिया, x+3 ले लिया, मान लो x+3 का स्क्वायर, लंब हमने x ले लिया, x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कर्ण निकालना था, तो अब बस इसे सॉल्व कर देंगे, 15 का स्क्वायर 225, और इसका अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे a² + 2ab, तो ये 2 × 3 = 6x + b² = 9 हो गया, और ये हो गया x². ठीक है, अब इसको टर्न कर लूँगी, टर्न करना से ज़्यादा इजली बन जाएगा, x + x = 2x² हो जाएगा, 6x ही रहेगा +9 = 225, 225। अब मैं इसको इधर लेकर आती हूँ, तो अब समीकरण को बनाते हैं, 2x² + 6x + 9 - 225 = 0, अब इसमें से इसको घटा दो, तो 2x² + 6x - होगा, क्योंकि माइनस बड़ा है तो बड़ा का साइन लगाते हैं, और ये घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 216 = 0।
अब यहाँ से देखो कि सब में दो 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 कॉमन है, तो दो कॉमन निकाल लेते हैं, मैं इधर कर देती हूँ, दो कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस दो का दो, सॉरी माइनस है यहाँ पे, दो का दो और 108 हो जाएगा ना, 108 इक्वल्स जीरो। यह दो से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा दो, और हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 108 इक्वल्स जीरो। अब ये एक मिडिल टर्म फैक्टर हो गया, ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टर यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए बोला है कि नहीं ये हमें देखना होगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों में से एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। हमें क्या करना था, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था, और यही हमारा द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में आना चाहिए, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के टर्म में हमने इसको ला दिया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ इसे सॉल्व नहीं करना है, अगर कहता कि आयत क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है लंबाई कितनी है ये बताओ तब हम इसे सॉल्व करते, बट यहाँ पे क्वेश्चन में है कि आपको इसे सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट कर लिया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब छः का अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है, ठीक है, कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है, हमें नहीं पता है कि कितना खरीद रहा है, यदि उसी रुपये में से वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती, मतलब कि 1 रुपया अगर कम होता प्रति किलोग्राम, 1 रुपया कम होता, जैसे अगर 10 रुपये या फिर 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का दाम अगर 20 रुपया है, अगर यहाँ इस जगह पे 1 रुपया कम हो जाता मतलब 19 रुपये प्रति किलोग्राम होता, तो वो क्या होता कि चीनी में 4 केजी चीनी वो अधिक खरीद पाता, उसके पास इतने पैसे थे। तो इसे हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं कि वो आदमी जो चीनी खरीद रहा है कितना खरीद रहा है, तो हम क्या करेंगे कि माना वो व्यक्ति जो है 80 रुपये की बात हो रही है ना, 80 रुपये में वो एक्स केजी चीनी खरीद रहा है। ठीक है, एक्स केजी चीनी खरीद रहा है, तो 1 केजी चीनी का मूल्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और दोनों जो प्रति किलोग्राम चीनी है उसके साथ रिलेशन बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो जब मैं करते जाऊंगी तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो एक बार और मैं क्वेश्चन को पढ़ दूं कि अगर वो आदमी जो कुछ कुछ चीनी खरीद रहा है, ठीक है, तो उसे हम तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, माना वो व्यक्ति 80 रुपये में एक्स चीनी खरीदता है, लिखेंगे कि माना वह आदमी, सही है व्यक्ति तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, आदमी एक्स रुपये में 80 केजी चीनी खरीदता है, चीनी खरीदता है, मतलब कि एक्स रुपये में 80 केजी चीनी खरीदता है, हमें पता ही नहीं था, नहीं सॉरी एक्स रुपये में नहीं था, हाँ कुछ कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है ना, तो 80 रुपये में, ओहो एक्स केजी चीनी खरीदता है, गलती मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कि माना वह आदमी 80 रुपये में, सॉरी क्वेश्चन मैंने उल्टे तरीके से बोल दिया, माना वह आदमी 80 रुपये में एक्स केजी चीनी खरीदता है। ठीक है, 80 रुपये में वो एक्स केजी चीनी खरीदता है, कुछ चीनी खरीदता पता नहीं है, तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब यदि वह आदमी 4 रुपये किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता, अगर उसका दाम प्रति किलोग्राम 1 रुपया कम हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 1 किलोग्राम का दाम निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स केजी चीनी का मूल्य, चीनी का दाम 80 रुपया है ना, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दिया जाता है 80 डिवाइडेड x रुपया, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना आ गया, 80/x रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कि अगर चीनी का दाम प्रति किलोग्राम 1 रुपया कम कर दिया जाए, तो चलो चीनी का दाम अभी इतना हो गया, प्रति किलोग्राम है ही 1 रुपये में इतना, तो 1 केजी अगर हम कम कर देंगे दाम, 1 केजी प्रति किलोग्राम हमने कम कर दिया, तो जो हमारा खरीदने का दर है, पहले हमने कितना खरीदा था, एक्स खरीदा था, अगर हमने इतना कम कर दिया तो हम कितना खरीद सकते हैं, एक्स प्लस 4 खरीद सकते हैं, 4 केजी अधिक खरीद सकते थे, अभी पहले हमने एक्स केजी ही खरीदा था, लेकिन अगर दाम 1 रुपये कम हो गया तो एक्स प्लस 4 खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें हम कितने रुपए में कर रहे हैं, 80 रुपये के अंदर ही कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आना चाहिए, है ना, तो इस तरीके से हमारा एक समीकरण बन जाता है।
अब हमें क्या करना है, ओनली इस समीकरण को सॉल्व कर देना है और वहां से द्विघात समीकरण को फॉर्म कर लेना है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो प्लीज आप एक बार रिपीटली उस चीज को देखिए, क्योंकि एक एक बात को अगर जो मैं बात बोल रही हूँ ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का की बात हो रही है, ओके। तो सबसे पहले मैं इस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो एक्स को 80 बाई एक्स से करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाता है तो 80 बचेगा, माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, ठीक है। अब इस 4 को इन दोनों से करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 8 चौका 32, 320 बटा एक्स हो जाएगा। फिर 4 को 1 से करेंगे तो माइनस 4 इक्वल्स 80, ठीक है। अब इस तरीके से समीकरण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो 320 बटा एक्स है, इस एक्स को बहुत ही अजीब सा लग रहा है तो इस एक्स को क्या कर देते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं दोनों तरफ एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा 320 हो जाएगा माइनस, या 4 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, और यहाँ 80 से तो 80x, है ना। तो इस तरीके से हमारा एक अलग ही इक्वेशन फॉर्म हो जा रहा है। सबको मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे लिख भी सकती हूँ कि दोनों तरफ एक्स से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ एक से गुना कर दिया, 80x हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया तो 320, यहाँ 4x है, यहाँ पे 80x। अब देखो कि 80x इधर आएगा तो 80x यहीं पे काट दो, इधर आएगा तो वो जीरो ही हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 320 इक्वल्स जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या माइनस तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, सबका साइन चेंज हो जाएगा और ये जो आपका आया यही आपका क्या हुआ, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यही अभीष्ट समीकरण समाधान हो गया, यही हमें पूछ रहा था कि एक द्विघात समीकरण बनाए, ये हमारा द्विघात समीकरण यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इसी के साथ अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक है। यदि एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई तो उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम का समय लगाती, ठीक है। मतलब अगर उस रेलगाड़ी का वेग जो होता वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो वो दूसरे स्टेशन पे जाने पे 2 घंटा कम समय ही लगाती, ठीक है। तो हमें इसको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें तो पता ही नहीं है कि ट्रेन का वेग कितना है, ट्रेन का वेग हम मान लेंगे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसके बाद जो ये 300 किलोमीटर जो दूरी है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम निकाल सकते हैं कि कितने घंटे में वो पहुँच रही है, क्योंकि अब हमारे पास वेग भी है और दूरी भी है, तो हम वहाँ से समय निकालेंगे और उसके बाद जो भी है आगे को मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा प्रथम कार्य क्या है कि हमें मानना है कि ट्रेन का वेग कितना है, तो लिखेंगे कि माना ट्रेन का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति आवर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब जो दूरी है वो कितना है, टोटल दूरी है आपका 300 किलोमीटर, है ना, 300 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे दूरी कैसे लिखते हैं, सॉरी, तो दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर दूरी है। तो यहाँ से देखो हमारे पास वेग है दूरी है तो हम समय निकाल सकते हैं, तो समय कितना लगेगा इतना दूरी तय करने में, 300 दूरी बटा वेग होता है, 300 बटा वेग x, ठीक है। तो इतना घंटे का समय लगेगा अगर वो अपना यूनिफॉर्मली चले इस तरीके से, तो उसको इतना घंटे का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है ना, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, स्पीड को 5 किलोमीटर हाँ अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुँचने में उसको 2 घंटा कम का समय लगता। अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, अगर x पहले स्पीड था और उसके बाद स्पीड को x प्लस 5 कर दिया जाए तो वो 2 घंटा पहले ही पहुँच जाता है, मतलब कि इससे 2 घंटा पहले ही पहुँच जाएगा इस समय से। तो हमें क्या करना है कि अगर स्पीड को लिखेंगे कि यदि वेग
5 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा अधिक होता, अगर वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो समय कितना लगता, तो समय बराबर कितना हो जाता, दूरी बटा वेग, दूरी तो सेम ही है, वेग अब कितना हो गया x प्लस 5, तो समय कितना लगेगा, इतना इतना घंटा। ठीक है, अगर वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो समय हमारा इतना हो जाता है ना, दूरी बटा वेग। तो अब दोनों समय निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या फिर प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं कि अगर ये समय इतना में जा रहा है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग अधिक हो जा रहा है तो अब समय इतना लग रहा है, तो वो 2 घंटा पहले ही पहुंच जा रही है ट्रेन। इसका मतलब कि पहले वो 2 घंटा पीछे पहुंचती, अगर वो इस वेग से जाती तो 2 घंटा उसको, देखो मतलब कि अगर इस वेग से जाती तो उसको 2 घंटा अधिक लगता, लेकिन अगर वो इस वेग से जा रही है तो 2 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब अधिक में से कम घटाएंगे तो 2 बीच का जो डिस्टेंस गैपिंग कितना है, 2 घंटे का है। तो अगर कम वेग से जा रही है तो उसको 2 घंटा कम लग रहा है, मतलब कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं x प्लस, अब यहाँ पर आकर आपका काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ आपको कैलकुलेशन करना है ओनली। अब x x कट गया, अब चाहो तो 300 यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होता बट कोई बात नहीं। 300 मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस ये से कट गया, x मल्टीप्लाई 300। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 300 को क्या करें, बहुत बड़ा राशि हो जा रहा है ये। चलो 300x मैं मल्टीप्लाई कर ही देती हूँ, 3 × 5 = 1500। ठीक है, माइनस 300x है ना, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो पहले तो ये आपका 2x इंटू एक्स प्लस 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि 300x माइनस 300x ही कट गया, और इस वाले को अगर मैं उलट के लिख दूँ तो 2x इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² प्लस 2x को 5 से 5x इज इक्वल्स टू 1500 है ना, पलट के मैंने लिख दिया, रिवर्स कर दिया, तो 2x² प्लस 5x माइनस 1500 1500 इज इक्वल्स टू 0। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं, नहीं यहाँ से 2 कॉमन गया है तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x² प्लस 2 कॉमन जाएगा क्या, 2x, अच्छा 5 × 2 = 10, आई एम सो सॉरी, 5 × 2 = 10 हो गया ना, 10, तो 10 हो गया यहाँ पे, सॉरी 10। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 750 = 0। अब तो आंसर बिल्कुल मैच करेगा, तो यही आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर बनेगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अब क्या करें, अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या फिर यहीं तक रहने दें, चलो आगे के एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई एक घड़ी विक्रय किया, वह जिसने जितने रुपए में वह घड़ी खरीदा था उसे घड़ी को उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख सकते हैं कि कोई एक घड़ी विक्रेता है, मतलब बेचने वाला है, 336 रुपये में कोई घड़ी को बेचता है, वह जितने रुपए में घड़ी को खरीदा था उसके उसने घड़ी के विक्रय मूल्य पर उतना ही लाभ का प्राप्त होता है, मतलब कि जितने में खरीदा था उसी का उतना ही परसेंट का उसको लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक तरीके से क्या क्या दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, और साथ में लाभ का प्रतिशत भी दे दिया है, x मान लेंगे उसको। ठीक है, लाभ का भी प्रतिशत दे दिया है, क्योंकि जितना वो क्रय मूल्य है उतना ही लाभ का प्रतिशत भी है। तो यहाँ से हम बहुत ईजी तरीके से इसे बना लेंगे। ठीक है, तो पहले तो घड़ी का विक्रय मूल्य जो दिया है वो लिख देते हैं कि घड़ी का विक्रय मूल्य मूल्य को SP कहा जाता है, बराबर कितना दिया, 336 रुपये, 336 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि घड़ी का पर जितने रुपए में घड़ी को खरीदा था उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रिक की चीज़ दिया हुआ है इसे हम x मान लेते हैं, कि माना वो घड़ी को x रुपये में खरीदा था, कि माना घड़ी का क्रय मूल्य x है। अब जितने का खरीदा था मतलब जितना क्रय मूल्य था उतना ही उसको लाभ होता है, तो लाभ हम इजिली लिख सकते हैं, इसलिए लाभ बराबर x प्रतिशत।
बस आपका यहाँ काम खत्म हो गया, बहुत इजी है। जितने में घड़ी को खरीदा था उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य को अगर हमने एक्स मान लिया तो लाभ भी हमारा एक्स प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब लाभ कैसे निकाला जाता है, कोई भी चीज़ का अगर परसेंटेज लाभ दिया हुआ है और उसको एक्चुअल फायदा हमें निकालना होता है तो परसेंटेज हमें हटाना होगा, तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर एक्स का एक्स परसेंट, इतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ था, ठीक है। अब एक्स का एक्स परसेंट मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स बटा 100, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ निकाला जाता है, तो एक्स का एक्स परसेंट हो गया, तो का मतलब गुना, ठीक है। अब आगे आपका कितना, एक्स स्क्वायर बाई 100, इतना रुपए का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि लाभ कैसे होता है, अगर सामान को मैंने 5 रुपये में खरीदा, ठीक है, खरीदा 10 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, 5 रुपये का। तो हमने क्या किया कि बेचने में से, है ना, बेचने में से खरीदने को घटा देते हैं तो लाभ मिलता है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें लाभ मिलता है। उसको अलग तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर विक्रय मूल्य, है ना। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगी कि अगर किसी सामान को हमने 5 रुपये में खरीदा, उसको 10 रुपये में बेच दिया, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो हमें फायदा कितने का हो जाता है, 5 रुपये का फायदा हो गया, तो ये हमारा लाभ हो गया, है ना, लाभ हो गया। अब हमारे विक्रय मूल्य को अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ देंगे, वही हमने काम यहाँ किया है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। या फिर अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, तो यहाँ से हम अगर हम विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य एक ही बात आ जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमने यहाँ निकाल के रखा था एक्स, हमने माना था, है ना, क्रय मूल्य एक्स है और लाभ कितना आया था, एक्स स्क्वायर बाई 100, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, ओनली लाभ, सॉलिड लाभ की बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल्स विक्रय मूल्य दिया हुआ है 336। बस आपका यहाँ इक्वेशन फॉर्म हो गया, थोड़ा सा इसमें और मेहनत कर लो, तो यहाँ पे 100 एक एलसीएम ले लेंगे, 336 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, 100 से इसको डिवाइड, ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 100x, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 33600, ठीक है। अब हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये आपका द्विघात समीकरण, घात भी 2 है, सारी चीज़ें सही से लग रही है, तो यही आपका आंसर हो गया, द्विघात समीकरण का ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का यहाँ पे मैं यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो में हम 5 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि इससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ हमारी बातों को कोई सुन रहा है, कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पे आपको अपडेट्स लेना है तो सब्सक्राइब भी करना होगा, ओके। तब तक के लिए कीप टेक्सिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।